हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सॉल्व द एग्जाम पेपर ऑफ कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जाम पेपर 2019 बीकॉम पार्ट फर्स्ट, जिसका यूनिट फोर्थ का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, दैट इज पूर्णिमा लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू परचेज द बिजनेस ऑफ भवानी लिमिटेड एंड रेडी टू मेक द पेमेंट ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर परचेज ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। भवानी लिमिटेड के प्रिसीडिंग ईयर्स के प्रॉफिट्स गिवन है। नाउ आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, ऑन 1st November 2016 भवानी लिमिटेड परचेज द ओल्ड कार फॉर ₹60,000, बट इट वॉज ट्रीटेड एज परचेज। लेकिन जो उन्होंने ओल्ड कार खरीदी थी उनको एज अ परचेजेस मान लिया। नो डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन कार, कार पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया, वो भी हमें चार्ज करना है। द अलाउएबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20% पर एनम बाय WDV मेथड। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2015 and 16 वॉज ओवरवैल्यूड बाय 30,000 से ओवरवैल्यू कर दिया, और जब क्लोजिंग स्टॉक 2015 और 16 में ओवरवैल्यू है तो नेक्स्ट ईयर में वो उसका ओपनिंग स्टॉक हो गया जो भी ओवरवैल्यूड है। वाइल भवानी लिमिटेड रन्स इन हिज ओन प्रमाइसेज, एस्टिमेटेड रेंट फॉर पूर्णिमा लिमिटेड विल बी 18,000 पर एनम। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ भवानी लिमिटेड। अब हमें भवानी लिमिटेड के गुडविल को कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, ईयर्स लिख लिए आपने जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंग मेंशन कर लिया। कि स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट पे इन सब ट्रीटमेंट्स का इफेक्ट क्या हो रहा है। उन इफेक्ट को समझ के ही आप उसको ऐड और लेस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि कॉस्ट ऑफ कार को आपने परचेजेस मान लिया था, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। परचेजेस ज्यादा होती है तो आपने इसलिए इसको ऐड कर दिया है 60,000, क्योंकि आपको ईयर गिवन है 1st November 2016। ऐड करने के बाद में वैल्यू कितनी आ गई, 4,20,000। ये सब सेम है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है कि आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया है, अब आपको डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना है। 60,000 की ओल्ड कार थी, 60,000 का नवंबर में ली थी, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 मंथ्स का लगेगा। 20% से 5/12 करेंगे 5,000 रुपीज़, तो इस साल की आपकी कितनी आ गई, 5,000 रुपीज़। और नेक्स्ट ईयर के पूरे साल का लगेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन के लिए, तो 60,000 माइनस 5,000 का डेप्रिसिएशन, 55,000 का अब आप 20% निकालेंगे, जो कि साल भर का लगेगा। 55,000 का 20%, डैट इज 11,000। ये डेप्रिसिएशन आपने लेस कर दिया क्योंकि आपने पहले लेस नहीं किया था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, 2015 और 16 में ओवर वैल्यू हो गया है क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले आएंगे हम 2015 एंड 16 में, यहाँ पे ओवर वैल्यू हो गया है क्लोजिंग स्टॉक, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, अब हम उसको लेस कर देंगे। तो 30,000 से लेस कर दिया, इधर वैल्यू आ गई 2,70,000। अब इस साल का जब क्लोजिंग स्टॉक में मिस्टेक है, तो अगले साल के ओपनिंग स्टॉक में भी मिस्टेक होगी, तो ओपनिंग स्टॉक को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ओवर वैल्यूड को। इसमें ये ऐड हो गया 4,45,000। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की रेंट भी वो पे करेगा, 18,000 का रेंट इसमें चार्ज कर लेंगे, तो लेस रेंट फाइनल आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है 2,42,000, 2,52,000, 4,27,000, 3,71,000। ये आपके भवानी लिमिटेड के लास्ट 4 ईयर्स के प्रॉफिट आ गए हैं। अब इनका एवरेज निकाल के आप इससे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। ऊपर जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया उनको सबको ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4, ये आ गया एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें बोला गया है कि पिछले 5 सालों के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। 323,000 मल्टीप्लाई बाय 5, वैल्यू आ रही है आपकी 1,615,000, डैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल।